Hello friends, this is mock test 99, few questions from optical communication, last, ये last topic है, मतलब optical communication से, बाकी फिर हम next time से signal system कराएंगे, okay? तो चलिए फिर question करते हैं, पहला question क्या कह रहा है ये, first question is, देखिए, read out the first question, in an optical fiber, the refractive index of the cladding material should be, देखिए, Always remember कि जो refractive index of cladding material होता है, it is always less than that of the core. You know this is हम cladding material के refractive index को किससे denote करते हैं? Denote करते हैं eta 2 से. मतलब ऐसे तो ये books में या तो n 2 लिखा है या मैं इसको eta 2 भी लिख सकती हूँ है होता तो आप n 2 ही लिख लो, ठीक है? तो n 2 जो है, it is mainly less than n 1. N 1 is the refractive index of core and n 2 is the refractive index of cladding. Okay? तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, refractive index क्या होता है? It is the change in the speed of light in any medium. यही तो होता है. N is equal to c by v, यही होता है ना, speed of light in free space या speed of light by speed of light in the medium, यही होगा ना. तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, it is less than that of the core, unity नहीं होता, very low नहीं होता, ये आएगा आपका D option. Next question, fibers having numerical aperture in the region of this much to this much, देखिए ये आपको दिया है, जिस ये आपको क्या दिया, ये आपको दिया है ये आपको दिया है N1 और N2. अब जिसका refractive index ज़्यादा होगा, वो आपका 0.4, ये core का होगा, जिसका कम होगा, वो cladding होगा. Numerical aperture क्या determine करता है? It determines the light gathering capability of the fiber. How much the fiber is able to collect the light through it? How much it is able to guide the light through the core? That is your numerical aperture. So numerical aperture is under root N1 square minus N2 square. That means it will be around 0.4 square minus it is 0.15 square. So you know, अब आप इसको solve करेंगे, कितना आएगा? 0.16 minus it will be around 0.0375 something. 0.1 आएगा ये कुछ. 0.1375. तो ये कुछ near about कितना आ जाएगा? ये आएगा कुछ 0.37. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका numerical aperture जो था, ये N1 to N2 गया, तो जिसका high value of numerical aperture होता है, उसमें क्या होता है? कि उसके losses ज़्यादा होते हैं and low bandwidth होती है. Losses are greater, okay? And low is the bandwidth. ये दो चीजें होती हैं जिस भी फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर इन द रीज मतलब जिसका हाई होता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर व्हेन इट्स क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री. देखिए ये तो आपको पता ही होगा, साइन इनवर्स ऑफ एन ए, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन ए, तो यहाँ पे साइन थीटा सी इज व्हाट, 30 डिग्री. तो न्यूमेरिकल अपर्चर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज हाफ, दैट इज इट इज अराउंड 0.5. तो आंसर विल बी थर्ड का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फिगरेशन यूज्ड बाय अ लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग अ डेटा एट द रेट ऑफ 1000 Mbps. अब आप सी, दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन एज डेटा रेट, ओके? दिस इज योर डेटा रेट, आपको दिया भी है डेटा एट द रेट ऑफ, दैट मीन्स डेटा रेट, हम इसको आरवी भी बोल सकते हैं. RB is 1/TB, bit rate or data rate, and it is around 1000 Mbps. Remember, this is Mbps. I can write it as 10 cube into 10 to the power 6. That is, it is around 10 to the power 9. That is 1 Gbps. अब आप देखिए bit rate कितना Gbps में, gigabits per second में. जिसका bit rate ज़्यादा होगा, तो वहाँ हम क्या use करेंगे? वहाँ हम optical fiber use करेंगे. Optical fiber ही एक ऐसा medium है जिसका जो bit rate होता है बहुत ज़्यादा होता है. ये mainly UV यूवी विजिबल और इंफ्रारेड लाइट में, ये इंफ्रारेड रीजन में ये ऑपरेट करता है, ठीक है? अब आजकल इसकी जो बिट रेट है वो और बढ़ा दी गई है, डेटा रेट ऑप्टिकल फाइबर का ये कुछ टेराबिट्स पर सेकेंड हो रही है, 10 to the power 12 समथिंग, ठीक है? 10 to the power 12. और वैसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ऑप्टिकल फाइबर की, 10 to the power 14 Hz, आप अनुमान लगा लीजिए कितना होता है, 10 to the power 14 Hz के लगभग होती है, सॉरी गीगा हर्ज नहीं, हर्ज, ठीक है? नेक्स्ट है,
ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी है। देखिए, ये तो आंसर पहली मार्क है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 10^-6 मीटर। ये इसकी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, मीन्स ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। सॉरी, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^ कितना होता है, नहीं नहीं सॉरी, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन में तो 10^-6 मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में तो 10^-10 मीटर्स होते हैं ना। चेक कीजिएगा, लोकल टीवी सिस्टम है तो इसका है कुछ, इसमें आंसर लिखा है ये कुछ होता है, लोकल टीवी सिस्टम की जो वेवलेंथ है वो अराउंड 1 मीटर बोल रहा है ये। ठीक है, एफएम ब्रॉडकास्टिंग की जो है इसकी भी जो आंसर में जो है आंसर में वो ये बताया गया। वैसे ब्रॉडकास्टिंग की आपने पढ़ा होगा 88-108 मेगाहर्ट्ज होती है रेंज में ऑपरेट करता है। सेटेलाइट की है आपकी अराउंड 10^-2 मीटर, दैट मींस आप लगा सकते हो कि ये 10 मिलीमीटर होगा, जो लेमडा होगा ना, लेमडा। ये डिपेंड करेगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी है। देखिए, 10^-10^3 मीटर, तो इट विल बी अराउंड 10^-2 मीटर। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर्स आर कॉज्ड बाय, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें, माइक्रो बेंडिंग होती है, एंड क्या होता है इसमें, स्लाइसिंग होती है। ठीक है, स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल की वजह से लॉसेज नहीं होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। देखिए, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन लॉस, जो ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेज होते हैं, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन लॉसेज। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉसेस क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द कोर। ये किसकी वजह से होता है, इम्प्योरिटीज इन कोर। ठीक है, दूसरा आपका एक होता है स्कैटरिंग लॉसेस, अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ पे ये होगा आपका, एक होता है स्कैटरिंग लॉस, स्कैटरिंग का नाम ही है मतलब बिखरना। दीज लॉस अकर बिकॉज ऑफ, ये भी आपके इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से ही होता है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटम्स प्रेजेंट इन कोर। तीसरा है आपका, एक और होता है बेंडिंग लॉस। देखिए, जितना मुझे पता है उतना मैं बता रही हूँ, बेंडिंग लॉसेज होते हैं। बेंडिंग लॉसेज में क्या होता है आपका, कि इसको हम रेडिएशन लॉस भी बोलते हैं। देखिए, याद रखिए, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, वेल एंड गुड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल लेस देन इक्वल टू, सॉरी, इंसिडेंस एंगल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, तब तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर थीटा ही लेस देन इक्वल टू थीटा सी है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका, बेंडिंग लॉसेज होता है। लाइट रे विल स्केप, बेंडिंग मतलब कि रेडिएशन लॉसेज हैं, कि लाइट विल स्केप आउट ऑफ द मटीरियल, मटीरियल से बाहर निकल जाएगी, लीक हो जाएगी, तो इसीलिए बेंडिंग लॉसेज होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा ये कंडीशन होती है कि थीटा ही शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। दूसरा आपका एक लॉस आता है, जो चौथा लॉस होता है वो होता है कपलिंग लॉसेस। ठीक है, एक होता है आपका कपलिंग लॉसेस। कपलिंग मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर। कपलिंग लॉसेस ये तब होते हैं व्हेनेवर द टू फाइबर ऑप्टिकल केबल्स आर जॉइन। देखिए, आपने क्या किया, दो ये ऑप्टिकल केबल है, इनको आपने क्या किया, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये दो ऑप्टिकल केबल है, इनको अगर आप किसी भी इससे ज्वाइन करेंगे तो उसमें कपलिंग हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ द लाइट सिग्नल फ्रॉम वन केबल टू द अनदर। तो जब थोड़ी कपलिंग होती है तो वहाँ भी कुछ लॉसेस चले जाते हैं, कुछ इंप्योरिटी एटम्स जो कोर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर हो रही है या बेंडिंग हो रही है, तो वो कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये आपका ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका सेवेंथ क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, अ ग्लास फाइबर हैज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, ये कोर का दिया है, 1.5, एंड N2 क्लैडिंग का दिया है, तो मल्टीपाथ टाइम डिस्पर्जन विल बी, क्या होगा मल्टीपाथ टाइम डिस्पर्जन। देखिए, इसमें एक बात याद रखिएगा, जो मल्टीपाथ टाइम डिस्पर्जन होता है MTD, इसको हम मल्टीपाथ का मतलब क्या होता है, देर आर सो मेनी सिग्नल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, द टाइम टेकन बाय द डिफरेंट लाइट सिग्नल्स टू रीच एट देयर डिजायर्ड एंड इंडिविजुअल डेस्टिनेशंस विल बी डिफरेंट एंड इन डिफरेंट फेजेस। तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपाथ टाइम डिस्पर्जन होगा।
तो इसका एक फॉर्मूला होता है मल्टीपाथ टाइम डिस्पर्जन का कि डेल्टा टी बाई जेड इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू इन टू डेल्टा एन बाई सी। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए, ये जो आपका है एन वन एन टू दिया, आप इसमें ये डेल्टा एन निकालिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, चेक कीजिएगा इसको। आई डोंट हैव एनी कंटेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई अभी किसी भी सब्जेक्ट की कोई फुल टेक्स्ट बुक नहीं है, मेरे पास केवल क्वेश्चंस अवेलेबल है और मुझे जितना आता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एन वन माइनस एन टू दैट मीन्स इट विल बी अराउंड 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, बुक्स आप लोगों के पास होंगी तो आप लोग बुक से चेक कीजिए, मैडम अगर गलत बोलती हैं तो उसको सही कीजिए। ये कितना हो जाएगा 1.5 बाय 1 इंटू दिस इज अराउंड 0.5 एंड दिस इज दिस मच, ओके, ये इतना हो गया। अब आप इसमें देखिए, मैंने मान लीजिए जीरो कर दिया तो 5 6 जा 30 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ये 0.5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, दैट मीन्स इट विल बी अराउंड 0.25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 10, सो दिस विल बी अराउंड, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2.5 नैनो सेकेंड्स पर मीटर, नहीं लिख सकती नैनो सेकेंड्स, तो मेरा जो ऑप्शन आएगा ये आएगा 2.5 नैनो सेकेंड्स पर मीटर, नैनो सेकेंड्स मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ना मैं इसको कैसे लिखूंगी, 25 बाय 10 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका 8th क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर्स है ब्रॉडर बैंडविड्थ, ओके, एंड कंपेयर टू दी कन्वेंशनल कॉपर केबल्स। हाँ ये तो पता है, ऑप्टिकल फाइबर में बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना इसका डेटा रेट भी ज़्यादा होगा, इट कैन कैरी अ नंबर ऑफ द लाइट सिग्नल्स, थाउजेंड्स ऑफ द लाइट सिग्नल्स थ्रू अ चैनल, एंड इसमें ब्रॉडर कन्वेंशनल मतलब पुराने ज़माने की जो कॉपर केबल्स होते हैं उनके कंपेरिजन में इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, और ये तो सही है क्योंकि इसमें डेटा रेट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इट कैन It has the tendency to transmit so many data at a given rate, ठीक है, the rate at which the data is transmitted or the light signals are transmitted per second, its capacity is very high, because reason क्या दे रहा है, information carrying capacity of optical fibers is limited by railing scattering loss, ये reason exactly सही नहीं है, इसलिए ये false, मतलब both are true, both A and R are true, दोनों true हैं, but R is not the correct explanation of A. R is not correct or true explanation of A. यही मतलब होता है ना explanation, क्योंकि देखिए losses तो optical fibers में, अगर आप जो मुझे इस book का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छी book है, standard English author की है, उसमें losses बहुत बताएं, Rayleigh scattering loss है और भी बहुत सारे losses हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि जो information carrying capacity है, the capacity at which the information is being carried by the optical fiber, it is only limited by the Rayleigh scattering loss, ये तो जरूरी नहीं है ना, तो ये अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये है कि ये उसका एक्सप्लेनेशन हो वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर्स आर हाईली डिजायरेबल फॉर कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर लेजर, यस दिस इज ट्रू, क्यों, आपको पता है कि एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड या जो लेजर होती है ये कहाँ यूज होती है, हम जब भी कोई कम्युनिकेशन लिंक डिजाइन करते हैं या हम ऑप्टिकल लिंक डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसमें यही एज अ सोर्स यूज करते हैं टू जनरेट द लाइट। एलईडी में आपको पता होगा कि एलईडी और लेजर ये ट्रांसमिटिंग सोर्सेज होते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्यूलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है 9th जो है आपका, ये कौन सा है, हाँ ये आपका एकदम सही स्टेटमेंट है कि हाँ हमें ये चाहिए, डिजायरेबल होता है, बिकॉज एक्टिव नेचर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स प्रोवाइड्स हाई स्पेक्ट्रल प्योरिटी ऑफ द सिग्नल्स, ये ट्रू है, ये एकदम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्टिकल फाइबर्स की हाई बैंडविड्थ होती है, इट इज इम्यून टू क्रॉस टॉक, इट इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रभाव में, कम आता है जो इंटरफेरेंस निकलती है ईएम वेव्स की वजह से, तो इट प्रोवाइड्स हाई स्पेक्ट्रल प्योरिटी ऑफ द सिग्नल, स्पेक्ट्रल मतलब वो किस वे में वो रिवील करता है, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन द एम्पलीट्यूड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, है ना, यही पढ़ा है, तो स्पेक्ट्रल सिग्नल्स को एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में ये प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स
वी रिसीव, मेनली जो ऑप्टिकल फाइबर का एक्टिव नेचर है, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल्स देखी होंगी ना अपने अपने घर के नीचे, जो ग्राउंड में केबल्स होती हैं, किस टाइप की केबल होती है वो, आप एक बार कंपेयर कीजिए। ये जो लैब्स होती हैं डीआरडीओ की, आपने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की लैब की है, उसमें भी आपने वो देखा होगा, आजकल तो वो किट्स में करवाते हैं। और वैसे डीआरडीओ वगैरह में आप देखिए जो हाई लेवल की रिसर्च होती है, उसमें ये लोग पीएचडी करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन ऑप्टिकल फाइबर हैज दिस मच, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 10th क्वेश्चन है, विच वन इज 9th, हाँ दिस इज योर अराउंड 10th क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन है। इसमें देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर मैंने आपको बताया था, इट इज डिटरमाइंस द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द फाइबर, सो दिस इज अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस क्लैडिंग। तो ये कितना दिया है, यहाँ पे 1.4 का स्क्वायर है और माइनस 1.05 का स्क्वायर है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये, है ना 14, ये कितना होता है, ये 1.96 होता है, ठीक है, एंड 1.05 इंटू 1.05, ये तो आप कर ही लोगे, है ना। एक बार मैं आपको एक बार बता देती हूँ फटाफट, 501, तो कितना आएगा 5211, तो ये अराउंड, हाँ तो कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट 1.96 माइनस 1.1025। देखिए एग्जाम में आपको कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, इसरो वगैरह में इसलिए कुछ मतलब ये जो फ्रेशर्स होते हैं ये कंटिन्यूएशन कोचिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी वो कभी कभी क्या होता है ना, टिप्स पे रहते हैं कैलकुलेशन, तो कुछ चीज़ें तो आप एक डायरी में लिख लीजिए कि इसका अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 2 या अंडर रूट 7 जो भी है, ये सब एक डायरी में लिख लीजिए। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ था, तो ये कुछ अराउंड 0.92 आ रहा है, तो आप इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो ये आंसर है आपका, सॉरी ये है आपका 0.92, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका 11th, वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में बिकॉज द लाइट इज मेनली गाइडेड बाय द कोर, कोर में हम क्या करते हैं, क्लैडिंग क्या करता है, कोर में लाइट को बेंड करके कोर में ही लाइट को गाइड करने की कोशिश करता है। मेन लाइट जो होती है कोर में कन्फाइंड रहती है ना, ऐसी रहती है। तो इसमें आप देखिए बाकी zigzag पाथ वो अलग चीज़ है कि उसमें क्या डिस्पर्जन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब ये लाइट बाउंड हो जाती है, व्हेन द लाइट पल्स गेट्स बाउंडेड बाय द रीजन ऑफ द कोर, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो इक्वल टू सी नहीं होगी, ग्रेटर देन सी नहीं होगी, मच ग्रेटर देन सी तो कभी नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज लेस देन सी बाय अ फ्यू परसेंट, रिमेंबर, ठीक है, हमेशा वो सी से कम होगी क्योंकि उसकी बाउंड्री कन्फाइन कर दी गई है, एक बाउंड्री के अंदर वो लाइट फ्लो कर रही है, तो इट इज लेस देन सी बाय अ फ्यू परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, द मोडल नॉइज इन मल्टी मोड फाइबर्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय, देखिए मोडल नॉइज इन मल्टी मोड फाइबर्स, आपको कल बताया था कि मोडल नॉइज जो होती है ये क्या होती है, ये लाइट पल्स होती है, व्हेनेवर इट एंटर्स अ फाइबर देन द टाइम एट विच इट एंटर्स एंड द टाइम एट विच इट लीव्स द फाइबर एट डिफरेंट टाइम्स, वो मोडल नॉइज कहलाती है। तो ये मल्टी मोड फाइबर्स में होते हैं, तो इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है, और ये भी बताया था कि मोडल डिस्पर्जन इंटर मोडल डिस्पर्जन होता है, मल्टी मोड सिग्नल्स में होता है जिसमें जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेटिंग वेव है ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल ये सेम नहीं होती। तो इसमें आपको ये भी तो बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ द प्रोपेगेटिंग वेव है ऑफ द मोड्स ऑफ द डिफरेंट सॉरी ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल इज नॉट सेम फॉर ऑल मोड्स, इज नॉट सेम फॉर ऑल मोड्स, और इसमें जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी होती है इट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोपेगेटिंग मोड, कि मोड कौन सा है, किस मोड में प्रोपेगेट कर रहा है, डिफरेंट मोड्स में, मेनी मोड्स में, सिंगल मोड मतलब जब एक ही मोड में वो प्रोपेगेट करती है, ओनली स्ट्रेट लाइन। तो मोडल नॉइज आपकी इंटर मोडल नॉइज भी होती है, मल्टी मोड मैंने आपको ये बताया ना कि मोडल नॉइज आपकी, इसको हम इंटर मोडल नॉइज भी कहते हैं, और ये मल्टी मोड फाइबर्स में एग्जिस्ट करती है, इसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेटिंग वेव इट इज नॉट सिमिलर फॉर ऑल द मोड्स एंड हेयर इट इज स्प्रेडेड इन टाइम टी, टाइम टी में ये स्प्रेड हो जाती है,
तो मेनली जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें जो मोड्स के बीच में फेज कोरिलेशन होता है, इट इज कंडीशन टू राइज मोडल नॉइज, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन होगा। ये नहीं होता कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करें या फाइबर्स का लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर यूज करें या यूज ऑफ सिंगल मोड की तो हम बात ही नहीं कर सकते, मोडल नॉइज की बात कर रहा है। तो यूज ऑफ सिंगल मोड फाइबर जो ये कह रहा है कि मोडल नॉइज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय, मोडल नॉइज मल्टी मोड फाइबर्स में होता है, एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय सिंगल मोड फाइबर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सोर्स यूजिंग फाइबर जिसका लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर, लेकिन इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय फेज कोरिलेशन बिटवीन द मोड्स। फेज कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या टर्मिनोलॉजी होती है, कोरिलेशन मतलब कोरिलेट, इट इज अ मेजर ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द वन सिग्नल एंड द सिग्नल इटसेल्फ, यही तो होता है ना कोरिलेशन। आप कोरिलेट कर रहे हो दो मोड्स के बीच के पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, उनकी में क्या सिमिलैरिटी है, क्या आप कोई फेज मिसमैचिंग है या फेज मैचिंग है ना, तो वो आप कोरिलेट करने की, रिजेम्बलेंस जिसे बोलते हैं। तो मोडल नॉइज को हम रिड्यूस नहीं कर सकते फेज कोरिलेशन से, बाकी इन तीनों से हम रिड्यूस कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, इट इज रिटन एज कैन नॉट, मैं अभी गलती कर रही थी, कैन नॉट बोल रहा है, कैसे रिड्यूस नहीं हो सकता। मल्टी सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, मल्टी मोड नॉइज, मोडल नॉइज तो होती ही नहीं है ना। इसमें तो कल पढ़ा था वेवगाइड डिस्पर्जन होता है, मटेरियल डिस्पर्जन होता है ना, क्रोमेटिक डिस्पर्जन होता है क्या, वेवगाइड मटेरियल तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। देखिए 14th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, अगेन देखिए ये क्वेश्चन आ गया, द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्टेप इंडेक्स फाइबर इज 28, म्यू आपको कितना दिया 28 एट 1300 नैनोमीटर। ओके, अब ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द फाइबर, सी हियर द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, ये नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, तो मेनली क्योंकि ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द, ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है रिमेंबर, तो इसमें जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा आपका एम इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाय टू, दैट मीन्स इट विल बी नियर अबाउट 28 स्क्वायर बाय टू, दैट मीन्स इट इज 14 इंटू 28, तो ये कितना हो जाएगा नियर अबाउट, देखिए ना आप 28 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 293, मतलब ये आ तो 392 आ रहा है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कीजिए, 50 नहीं है, 200 नहीं है, 800, 392 इज नियर अबाउट 400, तो ये आएगा। तो आप पहले फॉर्मूले भी कुछ देख लीजिए, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि स्टेप इंडेक्स मतलब क्या होता है, कि देर इज अ शार्प स्टेप चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन कोर एंड द क्लैडिंग इंटरफेस, शार्प स्टेप चेंज होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है कि जिसका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आप कह सकते हो यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन इट्स कोर लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लाइडिंग, मीन्स इसमें जो लाइट रेज होती है दे ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, शार्प रिडक्शन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यू कैन से कि स्टेप चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एट द क्लैडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये 14th। नेक्स्ट है 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, अगेन देखिए इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये कह रहा है क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग कह रहा है, देखिए अब ये तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी बाय हार्ट, जैसे ये कह रहा है ये क्या है लिस्ट वन, फर्स्ट ये इसमें बोल रहा है डिफरेंट फाइबर जनरेशन है, हम कौन सी जनरेशन में कौन सा फाइबर यूज करते थे, देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें हम यूज करते थे ये ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर यही यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज करते थे, ग्रेडेड इंडेक्स, मतलब ये जो है आपका ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर, हम इसमें 850 नैनोमीटर वाला यूज करते थे, मतलब सेकेंड वाला, सेकेंड, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हम यूज करते थे ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर एट 1310 नैनोमीटर, LD, LD लिखा है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड जनरेशन में हम क्या यूज करते थे, थर्ड जनरेशन में हम स्टेप इंडेक्स मोनोमोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स मोनोमोड फाइबर मीन सिंगल मोड फाइबर एंड 1310 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती थी, तो ये आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन। और फोर्थ जनरेशन में हम यूज करते हैं आपका ये स्टेप
index monomode fiber and 1550 nanometer. ये बहुत confusion वाला होता है, कई बार इसमें गलतियां हो जाती हैं, तो ये आप इसको एक कॉपी में चाहे तो लिख भी लें, याद भी कर लें इसको, तो इसका ऑप्शन डी होगा. ठीक है, देखिए फर्स्ट जनरेशन में पहले ग्रेडेड इंडेक्स पहले आप ऐसे याद किए, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में आपका दोनों में ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर आया, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में वेवलेंथ कम आई 850 नैनोमीटर, और दूसरे में सेकेंड जनरेशन में भी 1310 नैनोमीटर आई. ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 3G 4G में थोड़ा जिसमें इंटरमोडल डिस्पर्जन नहीं होती है, इसमें आपका सिंगल मोड सॉरी स्टेप इंडेक्स मोनोमोड फाइबर आया जिसमें इंटरमोडल डिस्पर्जन नहीं होती है. तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी, यहाँ पे आप देख लीजिए 1310 नैनोमीटर है, और 4G में इसकी थोड़ी ज़्यादा वेवलेंथ आ गई, दैट मीन्स ये आ गई आपकी कितनी है, ये 1550 नैनोमीटर. समझ में आया? तो ये इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा. ग्रेडेड इंडेक्स बताया था ना, जिसकी जो विच ट्राइज टू बेंड द रेज इनवर्ड एंड अलाउज देम टू ट्रेवल फास्टर इन द लोअर रीजन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें सेवरल लेयर्स ऑफ क्लैड होती हैं एंड ईच लेयर हैव अ स्मॉलर इंडेक्स नंबर रिलेटिव टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर. कोर से दूरी, कोर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देर आर सेवरल क्लैडिंग लेयर्स, और उनका इंडेक्स नंबर धीरे धीरे कम होता जाता है, ईच वन हु इज एट अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द कोर. तो ये आपके 15 क्वेश्चंस हो गए. मैंने आपको एक चीज बताई थी अपने डिजिटल कम्युनिकेशन में, मेरे शायद मुंह से स्किप हो गई होगी, एक मैच फिल्टर बताया था. मैच फिल्टर में देखिए ये होता है कि इसमें एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है और यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल जाता है. तो मेनली जो आपका ये जो निकालते हैं हम, वो होता है कुछ एक्स ऑफ कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, ये चेक कीजिएगा, ये होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स. इट इज द टाइम डिलेड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल इटसेल्फ. ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट इसको रीड कर लीजिए. ये आने वाले हैं क्वेश्चंस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. एंड थैंक यू. ठीक है, थैंक यू वेरी